आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको iPhone 16 Pro Max में या कोई भी iPhone हो, अगर वो आपका iOS 18 में रन कर रहा है तो उस पे किसी ऐप में लॉक कैसे लगाते हैं और किसी ऐप को यहाँ से छुपाते कैसे हैं, इस वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे आईफोन से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियोस लाते रहते हैं। देखिए, ये मेरा 16 प्रो मैक्स है, इसमें मैं किसी भी ऐप में लॉक लगा के दिखाता हूँ और ऐप के आइकन को यहाँ से हाइड करके दिखाता हूँ, छुपा के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आपको हिडन फोल्डर मिल जाता है, यहीं पर छुपता है। कैसे करना है बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं व्हाट्सएप में करके दिखाता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप है, अभी मैं इसे लॉक करता हूँ। तो कुछ नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप का जो आइकन है इसमें इस तरह से टच एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पर आपको देखिए रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। अगर आप सिर्फ लॉक करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, रिक्वायर फेस आईडी, और अगर हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड भी हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा। तो मैं हाइड और लॉक दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है और मेरा जो ये फेस लॉक है वो कन्फर्म कर लिया डिवाइस ने। और इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, हाइड ऐप में क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ जो व्हाट्सएप था वो यहाँ से हाइड हो गया है और हिडन एप्स वाले ऑप्शंस में चला गया है। इसके लिए आप ऐप ड्रॉअर में जाएं। देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक हिडन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जैसे टच करेंगे आपका डिवाइस आपकी फेस आईडी को कंफर्म करेगा। इसके बाद देखिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है वो दोनों यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। इन दोनों को मैंने हाइड करके रखा हुआ है। अब एक फेसबुक है, इसमें सिर्फ मैं लॉक करके दिखा देता हूँ। टच एंड होल्ड करेंगे और यहाँ से रिक्वायर फेस आईडी और सबसे ऊपर वाला ही ऑप्शन रिक्वायर फेस आईडी, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, फेस आईडी को कंफर्म किया और आपका फेसबुक लॉक हो चुका है। जब भी आप फेसबुक को ओपन करेंगे, देखिए रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन आता है, फिर ओपन होता है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। इसी तरह के आईफोन से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।